हेलो मेरी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अध्ययन। होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ आप लोगों को नेशनल साइंस ओलंपियाड या फिर कोई भी साइंस ओलंपियाड जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का आप लोगों को पढ़ना है तो वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए ब्लू विट्रोल, ऑप्शन नंबर बी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा एंड ऑप्शन नंबर डी जिप्सम। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखता है, यानी कि जिसमें जो वाटर है वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रहते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन, तो इनके फॉर्मूले क्या यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले ब्लू विट्रोल का जो फार्मूला होता है वो है CuSO4 × 5H2O, यानी कि यहाँ पर जो वाटर के जो है 5 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो यहाँ पर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो ये फार्मूला हो गया ब्लू विट्रोल का। वहीं पे जो वॉशिंग सोडा, जिसे कि क्या बोलते हैं, धावन सोडा बोला जाता है, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। तो यहाँ पर जो है 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर के ऐड रहते हैं क्रिस्टलाइज फॉर्म में। जबकि यहाँ पर जो जिप्सम का फार्मूला है वो है CSO4 × 2H2O। लेकिन बेकिंग सोडा जो होता है, जिसे कि हम क्या करते हैं खाने में जो है इसका यूज़ करते हैं, तो इसका जो फार्मूला है वो है क्या, NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें जो है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेकिंग सोडा, दैट इज़ NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 4। दिस शोज दैट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, ऑप्शन नंबर ए 4m, ऑप्शन नंबर बी 0.4m, ऑप्शन नंबर सी 0.0001m एंड ऑप्शन नंबर डी इज 0.001m। तो क्वेश्चन दे रखा है कि HCl का एक सॉल्यूशन है जिसका कि pH कितना दिया हुआ है, 4 दे रखा है। तो हमें यहाँ पर जो है सॉल्यूशन की मोलरिटी बतानी है। तो सबसे पहले जो pH का फॉर्मूला होता है, तो pH का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला है माइनस लॉग और यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन आयन जो है। तो इस तरह से जो है ये इसका यहाँ पर जो है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर pH कितना दिया हुआ है, 4 दे रखा है, तो इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस लॉग यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आयन जो है, तो यहाँ से हम हाइड्रोजन आयन जो है वो निकाल लेंगे। तो हाइड्रोजन आयन निकल करके कितने आ जाएंगे, तो हाइड्रोजन आयन निकल करके आ जाएंगे हमारे 10^-4। तो यही क्या हो जाएगी यहाँ पर मोलरिटी हो जाएगी सॉल्यूशन की। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। ऑप्शन नंबर ए वॉश द हैंड विद सेलाइन सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ऑप्शन नंबर सी इज, आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड। क्वेश्चन दे रखा है कि अगर किसी स्टूडेंट के हैंड पर एक्सीडेंटली क्या होता है, कुछ ड्रॉप जो है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की गिर जाती है, तो क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो हैंड है उसको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली वाटर के साथ में बहुत सारे अमाउंट के साथ में इसको क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। उसके बाद जो है हैंड पर क्या लगाना चाहिए, तो उसके बाद जो है हैंड पर जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो पेस्ट है वो अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या कर देता है एसिड को जो है न्यूट्रलाइज कर देता है, और इस तरह से जो है हैंड पर जलन जो है वो स्टूडेंट को फील नहीं होती है, तो इस तरह से रैशिंग नहीं होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास्ड थ्रू वाटर, ऑप्शन नंबर ए इट डज नॉट आयनाइज इन सॉल्यूशन एज इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड, ऑप्शन नंबर बी इट आयनाइजेज इन द सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद अ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब HCl गैस को वाटर से जो है पास किया जाता है, तो इनमें से कौन से जो है यहाँ पर जो है क्या जो है वो होता है। तो यहाँ पर जो है HCl की जब रिएक्शन की जाती है वाटर के साथ में, तो क्या होता है, तो यहाँ पर जो है HCl जो है वाटर के साथ जो है रिएक्ट करता है और यहाँ पर जो है क्या बन जाता है, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोनियम आयन बनता है, इसके साथ ही यहाँ पर जो है
क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 विच व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ऑप्शन नंबर ए HCl गैस एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर बी ब्लू लिटमस बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। एंड ऑप्शन नंबर सी इज नो हाइड्रोनियम आयन्स आर प्रेजेंट, लिटमस चेंज कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि जब ड्राई HCl गैस जो है उसको जब हम लिटमस पेपर से ड्राई लिटमस पेपर से पास करते हैं तो इसका कलर जो है वो चेंज नहीं करता है, जबकि जो HCl गैस है वो एसिडिक होनी चाहिए और लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका रीज़न ये है कि जो HCl गैस जो है वो क्या दे रखी है, यहाँ पर ड्राई दे रखी है। तो ड्राई HCl गैस में क्या होते हैं, हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि जो HCl है वो कब होगा तो एक्वा सॉल्यूशन में ये क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। जैसा कि अभी हमने लास्ट जो है स्लाइड में देखा था कि जो HCl होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोनियम आयन जो है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ड्राई HCl जो है वो क्या होता है, उसमें हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट नहीं होंगे और इसलिए जो है लिटमस जो है लिटमस पेपर का कलर जो है वो हाइड्रोनियम आयन के एब्सेंस के कारण जो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रलाइजेशन, टू डाइल्यूशन, थर्ड आयनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए ओनली बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी बी एंड सी आर करेक्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ओनली सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जब हम किसी एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर कौन सा फिनोमिना होती है। तो जब किसी भी एसिड को जो है वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो डाइल्यूशन और आयनाइजेशन ये दोनों ही यहाँ पर रिएक्शन होती है। जैसे कि अगर हम जो है H2SO4 की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ में तो क्या बन जाता है हमारा, तो क्या होता है वहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और सल्फेट आयन जो है वो बाहर निकल जाता है। तो डाइल्यूशन और आयनाइजेशन दोनों ही यहाँ पर रिएक्शन होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है बी एंड सी आर करेक्ट, तो यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन जिप्सम एंड POP दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए 5/2, ऑप्शन नंबर बी 3/2, ऑप्शन नंबर सी 1/2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन बोला गया है कि जो जिप्सम में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो उनके बीच में जो है क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है, तो जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 × 2H2O। वहीं पे जो POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है तो वो होता है CaSO4 × 0.5H2O। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों में, तो 2 − 0.5 जब हम निकालेंगे तो निकल कर के आएगा 1.5, दैट इज 3/2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज वी शुड नेवर एड वाटर टू एसिड बिकॉज। ऑप्शन नंबर ए द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ऑप्शन नंबर बी द रिएक्शन इज स्लो। ऑप्शन नंबर सी द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एंड ऑप्शन नंबर डी द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हमें जो है एसिड में वाटर को ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो इसका जो रीज़न है वो क्या है कि जब हम वाटर को एसिड में ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक हो जाती है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है जिसके कारण क्या हो जाता है, वाटर जो है स्टीम में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर जो है एसिड जो है वो क्या हो जाती है, स्प्लैश कर जाती है और जो कि स्किन में जाकर इरिटेशन जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। तो इस तरह से ये डेंजरस रिएक्शन हो जाती है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर को एसिड में जो है वो ऐड नहीं करना चाहिए। तो इसका रीज़न दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ दिस इज नॉट एन एसिड डिस्पाइट बीइंग अ हाइड्रोजन कंपाउंड। ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर बी CCl3COH, ऑप्शन नंबर सी H2S एंड ऑप्शन नंबर डी इज HF। तो यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी जो है यहाँ पर चार जो है कंपाउंड दिए हुए हैं तो उनमें जो है हाइड्रोजन जो है आयन होने के बावजूद जो है ये क्या है, एसिड नहीं होते हैं। तो ये चारों ऑप्शन में जो दे रखा है CH4 यानी कि मीथेन, वो क्या होता है, एसिड नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है क्वालिटी, तो एसिड में क्या होना चाहिए, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो
क्या होती है कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनको जब हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ में तो क्या हो जाते हैं, ये वाटर जो है उनके साथ में आयनाइज होने चाहिए। लेकिन जो CH4 होते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ में क्या होते हैं, इतने टाइटली जो है पैक्ड होते हैं, मजबूती के साथ जो है बॉन्ड बनाए हुए होते हैं कि ये क्या होते हैं, ये वाटर में आयनाइज नहीं हो पाते हैं और ये क्या होती है एसिड की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो मीथेन है वो क्या होता है एसिड नहीं होता है डिस्पाइट बीइंग अ हाइड्रोजन कंपाउंड। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट एंड एसिड इज ए सब्सटेंस दैट ऑप्शन नंबर ए एक्सेप्ट्स ए प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी रिलीज इज अ प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिलीज एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्वेश्चन दे रखा है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो है प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तो अगर हम HCl की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, तो यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है क्लोराइड आयन और इसके साथ ही यहाँ पर क्या बन जाता है अमोनियम आयन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो HCl है वो क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को जो है डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को निकाल रहा है। तो HCl क्या हो जाएगा, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड हो जाएगा, जबकि जो अमोनिया है वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज बाइकार्बोनेट आयन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन नंबर ए कॉन्जुगेट एसिड, ऑप्शन नंबर बी कॉन्जुगेट बेस, ऑप्शन नंबर सी एम्फी प्रोटिक आयन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एम्फोटेरिक आयन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि बाइकार्बोनेट जो आयन होता है वो किसका एग्जांपल है। तो जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो क्या होता है, ये एक एम्फी प्रोटिक आयन होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो है प्रोटोन को एक्सेप्ट भी करता है और प्रोटोन को बाहर भी निकालता है, और एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम जो है देख लेते हैं, तो बाइकार्बोनेट जो है ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट जो है हाइड्रोजन अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनाता है, ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, वहीं पे जो है ये अगर ये प्रोटॉन को रिलीज करता है तो ये क्या बनाता है, ये कार्बोनेट आयन जो है वो बनाता है। तो इस तरह से जो है ये दोनों ही प्रॉपर्टी शो करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी सॉल्ट एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो किसका फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो होता है CaOH होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो क्या बनता है, तो यहां पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ ही यहां पर वाटर जो है उसका भी फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, तो यहां पर वाटर और सॉल्ट दोनों ही बनते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है बोथ बी एंड सी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका यहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में टोटल 12 क्वेश्चंस यहां पर जो है वो आप लोगों को दिखाए गए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के नेशनल साइंस ओलंपियाड के लिए भी और आप लोगों के क्लास एग्जाम के लिए भी। तो इन 12 क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।